लोगों को 90 से ज्यादा सीटें दी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और आप लोग सब लोग जो यहां आए हुए हैं, मैं आप सब लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पंजाब की जनता ने इस बार जो वोट दिया है, वो दिया है विकास को। जनता चाहती है कि उनके यहां पर भी विकास हो। जो दिल्ली मॉडल है वो पंजाब मॉडल भी बने, और इसी प्रकार यहां पर हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है। और अब हम लोग जो मॉडल दिल्ली मॉडल पंजाब में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वही मॉडल हिमाचल प्रदेश की जनता को भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसा क्या जादू चला पंजाब में कि यानी एकदम 90 सीटें यानी, और बड़े बड़े जो दिग्गज थे कांग्रेस के हों चाहे दूसरे दलों के हों, वो भी हार गए? देखिए, ये जादू सिर्फ ये है कि लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। लोग त्रस्त हो चुके हैं कि निकम्मी सरकार आती है, एक के बाद एक, एक एक बार एक आती है, एक बार दूसरी आती है, एक बार तीसरी आती है, लेकिन तीनों की तीनों निकम्मी सरकार है और जनता की भलाई का कोई काम नहीं करते, सिर्फ लूट खसोट की राजनीति करते हैं। इसलिए जनता ने इस बार एक ईमानदार राजनीति के लिए वोट दिया है। पंजाब के बाद अब हिमाचल के इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहले नगर निगम के हैं, किस तरह की रणनीति है हिमाचल के लिए और क्या लगता है कि हिमाचल में भी आम आदमी का झाड़ू चलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है अब पूरे देश में चलेगा। पंजाब की जनता ने दिखा दिया है 90 से ज्यादा सीटें देकर कि यही मॉडल है, यही सक्सेसफुल मॉडल है। बाकी सारे मॉडल जो थे वो खत्म हो चुके हैं, वो सब सिर्फ निकम्मी सरकारों ने अपने चेहरे बचाने के लिए बना रखे थे। और अरविंद जी ने जो काम किया है दिल्ली में, जो बोला था वो किया है, और बाकी जगहों पर भी जो बोल रहे हैं वो मॉडल हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। नगर निगम के इलेक्शन होने वाले हैं अभी, तो किस तरह का रहेगा रोड मैप, क्या यहाँ पर पूरे सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है? देखिए, नगर निगम के ऊपर अब जो है दिल्ली से डिसीजन लिया जाएगा, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा हम आप लोग के समक्ष जरूर रखेंगे उसको। क्या मुद्दे क्या है हिमाचल में अगर देखा जाए तो, क्या बड़े मुद्दे जो है आम आदमी पार्टी मानती है? भ्रष्टाचार तो है ही है, उसके अलावा क्या लगता है हिमाचल में ऐसे क्या मुद्दे हैं? देखिए, हिमाचल में जो मुद्दे दिल्ली में हैं, जो मुद्दे पंजाब में हैं, वही मुद्दे हिमाचल के भी हैं। सब लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, बेहतरीन इलाज मिले। ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश का, ओपीएस इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो चीजें हिमाचल प्रदेश में पैदा होती हैं, चाहे वो बिजली है, जो दिल्ली पहुंचती है तो वो जो है केजरीवाल सरकार मुफ्त कर देती है 200 यूनिट। पानी है 20,000 लीटर मुफ्त है पर मंथ, और सीमेंट जो यहाँ पैदा होता है, बिजली यहाँ पैदा होती है, यहाँ के लोगों को जो है बिजली की एक यूनिट भी जो है वो फ्री नहीं होती। अभी कह रहे हैं कि 60 यूनिट कर दी है। 60 यूनिट क्यों की है? अगर आप दिल्ली मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो आप पूरी 200 के बदले 300 यूनिट बत्ती फ्री करिए ना। बिजली यहाँ पैदा होती है, यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद जो है वो फ्री हो जाती है। सीमेंट यहाँ पर पैदा होता है, हिमाचल की धरती की मिट्टी लगती है उसमें, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचता है तो 100 से 150 रुपये बोरे ही सस्ता हो जाता है। ये मेन मुद्दे हैं, मतलब इलाज, भ्रष्टाचार, पढ़ाई लिखाई, ये बेरोजगारी, सारे मुद्दे हिमाचल के मुद्दे जो हैं वो बाकी देश के भी मुद्दे बने हुए हैं, और एक एक करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो हैं इन सारे स्टेटों में एक दिल्ली मॉडल की ऐसी मिसाल बना के कायम करेंगे कि देखने वाले जो हैं लोग, सिर्फ आज आप देख रहे हैं कि पंजाब में 90 सीटें मिली हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में 68 में से 68 मिले। काफी लोग ये कयास लगा रहे हैं। बात करें तो जिस तरह से अभी चार राज्यों में बीजेपी अभी आगे चल रही है, तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से समर्थन वहाँ पर दिख रहा है और लहर वो हिमाचल की तरफ है, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है, अब क्या कहना चाहेंगे हिमाचल के लिए, किस तरह से आप करेंगे? देखिए, बीजेपी तो हर जगह तैयारी करती रहती है और वो जो है जुमले डालते रहते हैं। वो उनके पास अगर वो जो बातें कह रहे हैं वो किसी एक राज्य में इम्प्लीमेंट करी हो वो बता दें। हमने तो अपना इम्प्लीमेंट किया है और हम जो है दिखा भी दिया है, और हम लोग यहाँ सर्टिफिकेट लेके आए हैं दिल्ली मॉडल का कि जो हमने कहा है वो हमने किया है। और हिमाचल का चुनाव तो थोड़े दिन बाद है, अक्टूबर नवंबर में होगा। ये मॉडल हम पंजाब में भी इम्प्लीमेंट करके दिखा देंगे जो हिमाचल की जनता को हम प्रॉमिस कर रहे हैं।
काफी लोग जो है 10 तारीख का वेट कर रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता हो बीजेपी, कयास लगाए जा रहे थे कि 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी का हाथ जो थाम सकते हैं। क्या कुछ इस तरह का है कि एक दो दिन के अंदर अंदर कोई बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, दोनों पार्टियां जो अभी तक हिमाचल प्रदेश में राज कर रही थी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों में मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग भ्रष्ट हैं या हिमाचल में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो भ्रष्ट ना हो। दोनों पार्टियों में अच्छे लोग हैं जिनका उस पार्टी में दम घुट रहा है, वो लोग आम आदमी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं और आने वाले दिनों में आप लोग के सामने आएंगे। विकास मॉडल क्या होगा आम आदमी पार्टी का? जो दिल्ली का है जी, क्या उसके लिए आपने अभी कोई स्पेशल इंप्लीमेंट किया है कुछ किसी तरह का यहाँ के लिए? देखिए यहाँ पर हम लोग क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्योग्राफिकली जो है बहुत डिफिकल्ट एरिया है, तो यहाँ पे जो मॉडल होगा हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि 68 मैनिफेस्टो लेके आएंगे, हर विधानसभा का अलग मैनिफेस्टो लेके आएंगे, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे बिजली की रिक्वायरमेंट है, कहीं पानी की है, कहीं अस्पताल की है, कहीं अच्छे स्कूल की है, वैसे तो ये कॉमन है सारी चीजें, लेकिन जिस विधानसभा को जो चीज की जरूरत है वो जनता से हम पता करेंगे, पूछेंगे घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, और उनका मैनिफेस्टो बनाकर उनके सामने रखेंगे। सर जिस तरीके से दो पार्टियां हिमाचल प्रदेश में जब हम देखते हैं तो दो पार्टियां जो है दिखती हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आती रहती हैं, और आपको कहा जाता है कि ये बरसाती मेंढक है कभी कभी निकल कर सामने आते हैं, सर एक तो इस पर स्पष्टीकरण दीजिए, और दूसरा क्या हिमाचल प्रदेश में आपने सदस्यता अभियान जो चलाया था वो कहाँ तक पहुँचा है, आगामी स्थिति किस तरीके की? देखिए सबसे पहले मैं सदस्यता अभियान पे ही बता दूं, सदस्यता अभियान जो है आम आदमी पार्टी का पूरी 68 की 68 विधानसभाओं में चल रहा है अभी, क्योंकि हमारे सारे साथी जो हैं पंजाब में, हम लोग जो हैं बॉर्डर टाउन्स हिमाचल के और पंजाब के सेम हैं, तो हम लोग जो है सारे लोग वहां पे काम करने गए हुए थे, और अब सारे की सारी हमारी टीमें अपने वापस से जो है सदस्यता अभियान में आके जुड़ जाएंगी। और क्या पूछा था आपने? देखिए ऐसा है, बरसाती मेंढक जो कहते थे कई बार जो है पंजाब में भी लोगों ने, कुछ पार्टियां ऐसी थी जो कहते थे कि ये जो है इनके सारे लोग भाग गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जनता जानती है 3 बार हमने सरकार बनाई है दिल्ली के अंदर, बरसाती मेंढक की सरकार नहीं बनाई है, एक बार 67 सीटों की बनाई, एक बार तो हमारी नई सरकार आई थी, एक बार हमने 67 सीटों की बनाई है और अब हमने 62-63 सीटों की बनाई है, तो कोई बात नहीं, ये वो मेंढक हैं जो एक बार आके आप बैठ गए ना, तो जिस तरह से सुपड़ा साफ किया है ना पंजाब में, वैसे ही इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देंगे। सर जो कांग्रेस है वो भी आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए जो मुद्दे हैं, चाहे इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ओपीएस की बात की जाए, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, वो ऑलरेडी कह चुकी है कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो जनता के लिए जो सारी चीजें हैं वो करेंगे, कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको हिमाचल के लिए? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है ना, उन्होंने ये बात जो है मेरे ख्याल से पंजाब में भी कही थी, बहुत सारी बातें ऐसी, लेकिन जनता को पता है कि कौन डिलीवर कर सकता है और कौन डिलीवर नहीं कर सकता है, जो डिलीवर कर सकता है उसको 90 से ज्यादा सीटें जो हैं लोगों ने दे दिया, और ये कंफर्मेशन है कि हिमाचल में भी अब ऐसा ही होगा। अब दोनों पार्टियों से तो लोगों का दिल भर चुका है, अब वो चाहते हैं कि एक तीसरा विकल्प, और मैं तीसरा विकल्प नहीं कहूंगा, ओनली विकल्प जो है अब उनको भी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चाहिए उनको हिमाचल प्रदेश में भी। क्या आने वाले समय में केजरीवाल जी का हिमाचल का कोई दौरा होगा, कुछ रैली कुछ इस तरह से? अभी हम लोग जो है आने वाले 1-2 दिन के अंदर चीजें अनाउंस करेंगे।